डॉक्टर निमिष गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद एंड नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कोरोना के बाद होने वाले किडनी के नुकसान। आप जैसे जानते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आया, हमारी कंट्री में बहुत तबाही मचाई, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी लाया। पोस्ट कोविड हमने कई तरह के फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखी। अब अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा कम की तरफ है, पर हमें फिर भी सचेत रहना चाहिए। और किडनी पे क्या क्या इसके नुकसान हैं और हमें क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, ऑलरेडी जो किडनी के मरीज थे, CKD पेशेंट्स, जो भी पुराने शुगर के पेशेंट्स थे, पुराने BP के पेशेंट्स थे, या बार बार जिनको यूरिन का इन्फेक्शन होता था, उनमें देखा गया है कोरोना की वजह से थोड़ा सा क्रिएटिनिन राइज किया है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसका इफेक्ट जाने लगता है तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन आपका जितना पहले हुआ करता था उतना आने लग जाता है। किडनी अपनी जितना पहला बेसलाइन काम कर रही थी उसकी तरफ वो आने लग जाती है। इसी की वजह से कई पेशेंट्स जो हमारे डायलिसिस पे नहीं थे, जो बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे थे, दवाइयों पे थे, कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस पे आ गए। तो उनको भी हम यही समझाते हैं घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर चांस ये हैं कि अगर आप पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी किडनी बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी, क्रिएटिनिन स्टेबल था, आपके अच्छे चांस हैं कि आप शायद डायलिसिस फ्री हो सकते हैं। दूसरी बात, किडनी पेशेंट्स थोड़ा सा बाकी पेशेंट से डिफर करते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं, या फिर कोई भी आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, आप एक किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। जैसे कि हमने आजकल देखा है कि जितनी भी दवाइयां हैं, जब तक हमने उनको यूज़ करने के या देखा, पर वो इतना यूज़फुल हुई नहीं ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ टाइम। पहले फेविप्रवीर आई, HCQ आई, उनको इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देने लग गए। तो सिमिलरली किडनी पेशेंट्स को सचेत रहने की और ज़रूरत है। जो भी प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी सरकारी गाइडलाइंस या आपके किडनी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करें। जो आपकी पोस्ट कोरोना कमजोरी है, क्रिएटिनिन राइज है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, उसको जल्दी ठीक करने के चक्कर में अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स ना लें, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ना लें, वो आपको ज़्यादा हार्म कर सकेंगे। तो इसलिए एक बिल्कुल जो प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं, स्लो एंड स्टडी अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, और कोई भी दिक्कत हो तो सिर्फ स्पेशलिस्ट की सलाह को ही माने। थैंक यू।